अब अपन शुरू कर रहे हैं मल्टीपल करेक्ट जो क्वेश्चन है 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसमें से पहला क्वेश्चन अपन ने लिया है, जो हमें मिला है वो है इंटीग्रेशन का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बहुत इसमें बड़ा हमने कोई ना स्पेशल सब्स्टिट्यूशन यूज करना है या फिर, ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं 4, -2, 8 और -4 बताए गए हैं, ठीक है। ठीक है, पहले ही मैं ये डिस्क्लेमर डाल चुका हूँ, दीज ऑल क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। हो सकता है थोड़े बहुत ऑप्शंस आपको इधर उधर दिखाई दें, है ना। जो ऑप्शंस हैं वो भी लिख देता हूँ मैं, इसमें जो ऑप्शंस हैं 4, -2, 8 और -4 ये बताए गए हैं। 4, -2, 8 और -4, ठीक है, ये ऑप्शंस बताए गए हमें। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब, ये जो एक सड़ा सा सूगला सा फंक्शन लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में वो एफ एक्स टाइम्स दिस रेज टू द पावर 1/λ प्लस c है। तो बेसिकली मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। जब मैं राइट साइड से कंपेयर करूंगा तो मेरे को एफ एक्स और लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। जब मुझे इनकी वैल्यू मिल जाए तो लैम्बडा इंटू एफ ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू मेरे को बतानी है। फाइन, तो मुद्दे की बात तो ये है कि मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, क्लियर है। इसे इंटीग्रेट करने के लिए बिल्कुल सिंपल साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स ऊपर लिखा है ना भाई, डीएक्स के साथ अगर साइन एक्स का डिफरेंशियल लिखा हुआ है तो मैं तो बिल्कुल तैयार बैठा हूं। किस लिए? साइन एक्स को टी मानने के लिए। मैंने साइन एक्स को टी मान लिया भाई साहब। इंप्लाइज साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स डीएक्स, टी का डिफरेंशियल डीटी, समझ रहे हो। चलो जी, लेफ्ट हैंड साइड देखो भैया, मेरा जो आई है, आई बोले तो इंटीग्रल विल गेट कन्वर्ट इनटू न्यूमरेटर डीटी अपॉन इस जगह टी क्यूब अंदर 1 + t^6 रेज टू द पावर 2/3। बिल्कुल सिंपल इंटीग्रल, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रल, ठीक है। बहुत बार अपन लोगों ने क्लास में भी, मतलब क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत करे आप, वीडियो लेक्चर्स और अगर क्रैश कोर्स की वीडियोस भी देखोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। इस अंदर वाले को बाहर निकाल लो, ठीक है। अंदर टी की पावर 6 है, पावर कितनी चढ़ी हुई है 2/3, कितनी चढ़ी हुई है 2/3। अगर मैं इसे बाहर निकालता हूं तो 6 × 2/3 = 3, 3 × 4 ये टी की पावर 4, टी की पावर 3 मिलकर बन जाएगा टी की पावर 7। उचक के ऊपर पहुंच गया, ऊपर बन गया टी की पावर -7 dt अपॉन नीचे बन जाएगा टी की पावर -6। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरीके की हैं, एकदम सिंपल है भाई। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ हो, यानी कि डीटी या डीएक्स के साथ लिखा हो, तो उसको यू मान लो। यू मानने की जगह मैंने यू क्यूब माना, डिसाइड किया। क्या माना? यू क्यूब। वाई यू क्यूब? यार पावर 2/3 है ना, थोड़ा सा अच्छा हो जाए बस, और कुछ नहीं। इसका डिफरेंशिएशन -6t^-7 dt = 3 × u² du। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा यार, ठीक है जी। चलो जी, ये गया, ये बाय 2 आ गया, टी की पावर -7 dt तो चला गया भाई। आई विल गेट कन्वर्ट इनटू आई कौन? अरे आई यही रे, इंटीग्रल माइनस हाफ तो आ गया बाहर, माइनस कहां से आया? इधर से, ठीक है। ऊपर बनेगा u² du, ध्यान देना एकदम बिल्कुल अच्छे से। नीचे टी की पावर -6 + 1 की जगह जब मैं यू क्यूब रखूंगा, यहाँ यू क्यूब रखा, 3 कैंसिल, u² आ गया। चलिए जी, u² कैंसिल, क्या बचा? du का इंटीग्रेशन। आई विल गेट कन्वर्ट इनटू -2 u + c। लो जी, u की जगह क्या रखना है? टी की पावर -6 + 1 की पावर 1/3, तो 1 + t^6 / 1/3 अपॉन टी की पावर 6 / 1/3, यानी कि t² + c, सही है। तो ये हो गया भाई साहब -2। टी की जगह क्या रखना है वापस? साइन एक्स, तो ये हो गया sin²x, ऊपर उचक के हो गया भाई साहब cosec²x, ये बच गया 1 + sin⁶x⁶1/3 + c। इसे इस फोटो से कंपेयर करने पे दोनों चीजें मिल जाएगी आपको। मिल गई क्या? दिख गई क्या? देखो, ये तो किसका काम कर रहा है? एफ एक्स का। ये किसका काम कर रहा है? लैम्बडा का, सही है। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? लैम्बडा टाइम्स एफ ऑफ पाई बाय 3, ठीक है। पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री, पाई बाय 3 निकालना है, ठीक। तो पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 3, है ना। ये हो गया एफ एक्स, है ना। मुझे एफ ऑफ पाई बाय 3 निकालना है, तो ये हो गया -2
कोसेक पाई बाई थ्री 60, तो साइन 60 होता है रूट थ्री बाई टू, है ना, तो कोसेक हो गया 2/√3, तो उसका स्क्वायर हो गया 4/3, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, आंसर इज -2। ऑप्शन में है क्या भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, इंटीग्रेशन कभी धोखा नहीं देता यार। अगर आप लोग सही कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आंसर तो आएगा ही, थोड़ा लंबा छोटा ये हो सकता है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन को इससे ज्यादा छोटा नहीं किया सकता क्योंकि जो स्टैंडर्ड स्टेप्स है वही मैंने यूज करी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल टाइप का है ना। देखो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ चला जाएगा बहुत आराम से, रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई के साथ चला जाएगा। ये मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दी है फर्स्ट ऑर्डर वाई ऑफ एक्स, इसका सॉल्यूशन बताया गया। वाई ऑफ एक्स लिखने का मतलब होता है वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बेसिकली, ठीक है, जो कि मैं इसे सॉल्व करके लाने वाला हूँ। एक बाउंड्री कंडीशन दी है वाई एट एक्स इक्वल टू हाफ इज गिवन एज रूट थ्री बाई टू, यानी कि एक्स के लिए हाफ रखने पर वाई के लिए रूट थ्री बाई टू आएगी, इससे मेरा वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन से डेवलप होता है वो निकलेगा। उसके बाद मेरे को ये तीन ऑप्शन बताए गए, चौथा ऑप्शन अभी तक नहीं आ पाया मार्केट में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। खैर अपना, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ, सेवन्थ वाले जो पुराने वीडियोस के जो अपन ने सॉल्यूशन किए हैं पेपर्स के, उसमें मैं बात बोल चुका हूँ, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन की एक्यूरेसी पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। जो लोग क्वेश्चन पेपर करके आए हैं वो अपने इस क्वेश्चन को देख के अपने आंसर को इवेल्युएट कर सकते हैं, एक अपना एम ये है, और जो आगे होने वाले पेपर्स हैं उसके लिए अपन कॉन्सेप्ट का आइडिया ले सकते हैं, बस अपना एम यही है, ओके फाइन। तो ये जो वेरिएबल सेपरेबल है इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी, ठीक है जी। कैसे करूंगा जी? सेपरेट वेरिएबल, इसको इधर ले आते डी एक्स को इधर, इसके नीचे सीधा सीधा ये बन गया डी वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, सॉरी इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट करने के बाद सी आएगा ना, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स वाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स एक्स, जीरो का इंटीग्रेशन हो गया कांस्टेंट, ठीक है। चलिए जी, वाई एक्स की जगह हाफ रखने पे साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब होता है पाई बाय 6 प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई, वाई की वैल्यू कितनी है रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू का मतलब हो गया साइन में 60, 60 मतलब हो गया पाई बाय 3, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, 60 प्लस 30 हो गया 90, यानी कि सी की वैल्यू आ गई भाई साहब पाई बाय 2, है ना। तो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हो गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, सही है। तो वाई की वैल्यू हो गई बेसिकली साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह 1/√2 रखने पे, एक्स की जगह 1/√2 रखने पे कॉस इनवर्स 1/√2 देगा पाई बाय 4, पाई बाय 4 साइन को मिलेगा तो वो भी देगा 1/√2, यानी करेक्ट आंसर इज कैलकटा। सिंपल, बिल्कुल एकदम, देखो आप कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई मतलब स्पेशल मैनिपुलेशन या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल एकदम इजी क्वेश्चन जिसके मार्क्स मेरे हिसाब से ज्यादा बच्चों को स्कोर करने ही चाहिए थे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को अपन डालेंगे एकदम सिंपल वाली कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है अपने को लिमिट का, ठीक है, देखते हैं, है ना। लिमिट के क्वेश्चन, मतलब आई लव लिमिट लिटरली बिकॉज इट्स द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस, है ना। तो एनसीईआरटी के हिसाब से 11th क्लास का चैप्टर है, बट जेई मेन और एडवांस की अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग ये 12th में कवर करते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, है ना। इसके क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट चेक करेंगे, सबसे पहले उसी से आइडिया लगता है क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है, क्योंकि हर इंडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का अपना एक तरीका है, तजुर्बा है, ठीक है। तो मैंने एक्स की जगह जीरो रखा, ये गॉन 2/2, यानी कि बेस अप्रोचेस 1/(1^-infinity) पावर इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनने वाली है, बेस 1 को अप्रोच कर रहा है पावर 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, सो फॉर्मेट इज 1^(1^-infinity). 1^(1^-infinity) फॉर्मेट का आंसर हमेशा e^(l) टाइप्स का होता है, क्वेश्चन l निकालने का। ऑप्शंस भी देखिए आप सारे e^(r) है, तो मुद्दे की बात तो l निकालना है। तो फॉर्मूला जो है 1^(1^-infinity) फॉर्मेट का, दैट इज l इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0, जहां जा रहा था वहीं पे, पावर इनटू बेस -1, बेस क्या है ये,
तो 3x² + 2 - 7x² - 2 एक स्टेप खा गया भाई, खा गया ना, अरे वो बेस माइनस वन, फिर वो एलसीएम डायरेक्ट ले लिया, ये टू और टू कैंसिल, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, ध्यान देना एकदम। अभी अगर आप फॉर्मेट चेक करेंगे, ऊपर बनेगा जीरो, नीचे बनेगा जीरो, ये तो शरीफ आदमी है, फॉर्मेट इज 0/0। जिस दिन ऊपर और नीचे से, जिस दिन, शब्दों पे ध्यान देना, जिस दिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जीरो कट रहा होगा, मैं अपने आंसर के नजदीक होऊंगा। कट गया, अगर ये कट गया इसका मतलब हम लोग आंसर के बहुत नजदीक है। x की जगह जीरो रख दो, न्यूमरेटर इज -4, डिनोमिनेटर इज 2, दिस इज -2, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ l, माय आंसर वुड बी e^l व्हिच इज e^-2, यानी कि a इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, मतलब ठीक है आपके हो सकता है b c कहीं पे भी दिया हो, बट e^-2 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने ये जो इस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो करे ही होंगे, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें बताएं कि आपका आंसर सही है या कुछ गड़बड़ हो गई या जो भी मिस्टेक हुई, ठीक है, और आगे आइंदा इन चीज़ों का ध्यान रखें, यही हमारा एम है ये सॉल्यूशन और ये सब देने के पीछे, ठीक है, कि आगे जब अपन अप्रैल के अंदर दोबारा अपन एग्ज़ाम पे अपियर करेंगे तो इस तरीके की सिली या ईजी जो क्वेश्चन है वो तो हमें नहीं छोड़ के आने, है ना, ये तो एकदम बाय हार्ट हमें पक्का कर लेना चाहिए। ओके, चलिए, अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक, एक बात और बताया तो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कोई मिस्टेक है, आपने 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया था और आपको लगता है कि हम क्वेश्चन को करेक्टली नहीं देख पाए हैं या नहीं पता कर पाए हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं, सो दैट हम उसे रेक्टिफाई करके उसे करेक्ट आपके लिए लेके आ पाए। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके आए हैं परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 11th क्लास का चैप्टर परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, बहुत ही मज़ेदार, शानदार, ठीक है। क्वेश्चन भी थोड़ा सा मतलब ठीक है, सिंपल है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट मॉडरेट टाइप का हम लोग इसे बोलेंगे, है ना, क्योंकि क्या है कि एटमोस्ट और एटलीस्ट आ जाता है ना तो लोग घबरा से जाते हैं, पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, मतलब बहुत सिंपल है वैसे, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक बैग दिया गया, इन अ बैग, ठीक है, देयर आर 5 red, 3 white and 4 black balls, है ना, स्टोरी बनाओ यार, हमेशा पी एंड सी के अंदर स्टोरी बनाओ। एक बैग दिया भाई साहब, उसमें 5 तो रेड बॉल्स हैं, 3 वाइट बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स दी गई, फाइन, अब इससे कुछ निकाला गया होगा, 4 बॉल्स आर ड्रॉन, भैया इससे 4 बॉल्स निकाली गई, 4 बॉल्स निकाली गई, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच एटमोस्ट 3 रेड बॉल्स, एटमोस्ट, अब एटमोस्ट 3 रेड बॉल्स का मतलब 2 भी निकल सकती है, 1 भी निकल सकती है और 0 भी निकल सकती है, ठीक है, निकाली कितनी गई है, 4 निकाली गई। मैंने एक टेबल ही बना ली, हटाओ, सिंपल, खत्म ही करो ना किस्सा ही, एक टेबल बना लेते हैं, रेड बॉल्स, ठीक है, अदर बॉल्स और नंबर ऑफ वेज। नाउ ये तो अच्छा बन गया यार, दिस इज नंबर ऑफ वेज, यहां नीचे टोटल कर लेंगे, केसेस लिख लेते हैं, कितने केस हो सकते हैं, रेड बॉल 0 निकल सकती है तो अदर कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी, टोटल 4 निकली ना भाई साहब, रेड बॉल अगर 1 निकलेगी तो अदर 3, ये 2 तो ये 2, ये 3 तो ये 1, बस, क्योंकि एटमोस्ट 3 रेड निकालनी है, सिंपल है, ठीक, इसके नंबर ऑफ वेज, तो रेड तो 0 निकालनी, रेड निकालनी नहीं, यानी कि चारों के चारों रेड, चारों के चारों बॉल इन 7 में से आनी चाहिए, ठीक है, इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 7c4 = 7c3, है ना, 7c3 = 7 6 5/3 2 क्या 35, ये आ गया भाई सब 35। चलिए नेक्स्ट इज 1 red 3 other, तो इन 5 में से 1 रेड कितने तरीके, 5c1 into, इन 7 में से कितने, 3, तो इन 7 में से c3 तो 7c3 तो अभी निकाला 35, ये हो जाएगा 5, तो 35 5 जा हो गया 35 150 और 175, 2 2 दोनों 2 2, तो 5 में से 2 रेड बॉल कितने नंबर ऑफ वेज, 5c2, बाकी 7 में से 2 अदर बॉल्स 7c2 हो गया 7 6/2 7 3 21 21 210, ठीक है, 3 रेड 5 में से 3 रेड और 7 में से 1
ब्लैक बॉल मतलब ब्लैक नहीं बेसिकली इन दोनों में से कोई से भी अदर बॉल्स ठीक है 5C3 10 7C1 7 70 ठीक है 135 210 420 470 490 है क्या ऑप्शन है कैलकटा इज द आंसर सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन बेसिस पे बस कितने कितने लेने केसेस आपको समझ में आने चाहिए एटमोस्ट थ्री वाली गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर एटमोस्ट थ्री थ्री बोले गए तो जीरो रेड बॉल भी हो सकती है एक रेड बॉल भी हो सकती है टू रेड बॉल भी हो सकती है और थ्री रेड बॉल भी हो सकती है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा डरावना है लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए एफ एक्स नाम का एक फंक्शन दिया है जिसमें थोड़े बहुत इनवर्स इनवर्स की हेल्प से एक तो कुछ बना दिया होल स्क्वायर माइनस वन करके मॉड एक्स दिया है ग्रेटर देन वन ठीक है देखते हैं क्या यूज है फिर फाइनली डीवाई बाई डी एक्स दिया है इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स थोड़ा सा अगर जल्दी से पढ़ लो ना जल्दी से ये तो मजाक है क्यों अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा अरे यार दोनों साइड एक्स की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है इंटीग्रेट कर दोगे तो फंक्शन मिल जाएगा इधर इंटीग्रेट करोगे वाई मिल गया भाई सब लोग हाफ तो रह गया बाहर साइन इनवर्स के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स इटसेल्फ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स एक प्लस सी और लगा दो लास्ट में लो जी सी निकालने के लिए कंडीशन दी हुई है कि एक्स की जगह रूट थ्री रखने पे वो तो अभी मेरे को एफ नहीं पता इसलिए मैं भी थोड़ा सा शांत हूं वैसे एक काम कर सकते हैं अपन चाहे तो एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स की जगह रूट थ्री रखने पे वाई मुझे पता है पाई बाय सिक्स है समझ रहे हो तो एक्स की जगह रूट थ्री रखने पे एफ एक्स क्या देगा ये तो यहीं से निकाल सकते हो आप एफ ऑफ रूट थ्री नहीं निकाल सकते चलो ट्राई करते हैं तो एफ ऑफ रूट थ्री पहले तो मैंने मेहनत करी थी अब मैं सोच रहा हूँ शायद सस्ते में काम हो जाए टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू हो गई भाई साहब रूट थ्री यानी कि 60 यानी कि पाई बाय थ्री पाई बाय थ्री किसको मिला साइन को साइन को अगर पाई बाय थ्री दोगे तो वो बनाएगा रूट थ्री बाई टू ठीक है तो ये तो हो गया भाई साहब रूट थ्री बाई टू प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री कॉट इनवर्स रूट थ्री हो गया 30 डिग्री 30 डिग्री से मिला तो हो गया हाफ तो रूट थ्री बाई टू प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस वन ठीक है क्या चलिए तो ये हो गया भाई साहब 3 + 1 + 2√3 − 4/4 है ना ये कुड़ कुड़ रूट थ्री बाय टू ये रूट थ्री बाय टू वैल्यू आई एफ ऑफ रूट थ्री की ये रूट थ्री बाय टू मिला साइन इनवर्स को समझो देखो साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू अगेन 60 डिग्री यानी कि पाई बाय थ्री बाय टू पाई बाय सिक्स और वाई की वैल्यू कितनी बताई गई थी पाई बाय सिक्स तो देखो पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स प्लस सी तो ये तो सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब जीरो कुछ समझ आ रहा है क्या तो मेरे पास फाइनली फंक्शन बन गया ये सी तो गया क्लियर है चलिए अब मेरे को निकालनी है एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री पे वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री पे वैल्यू तो एक्स की जगह माइनस रूट थ्री रख देते हैं एक्स की जगह ध्यान से सुनना एक्स की जगह जब मैंने माइनस रूट थ्री रखा यहाँ पे पहले तो एफ ऑफ माइनस रूट थ्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर यहाँ रखेंगे साइन इनवर्स को मिलेगा फिर उसका हाफ करेंगे तब जाके आंसर आएगा तो माइनस रूट थ्री रखा यहाँ पे तो टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री बना माइनस सिक्सटी ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएगा माइनस सिक्सटी किसको मिला साइन को उसने दिया माइनस रूट थ्री बाई टू ठीक है जी एफ ऑफ माइनस रूट थ्री की वैल्यू निकाली जा रही है समझ में आ रहा है चलिए माइनस रूट थ्री इधर मिला देखो कॉट इनवर्स एक्स देगा सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर ठीक है पहले उसने दिया था 30 डिग्री अब देगा 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में देगा ना यार ठीक है 5π/6 तो 5π/150 डिग्री जब साइन को मिला तो उसने वही प्लस हाफ दिया तो प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस वन ठीक है जुक किया स्क्वायर स्क्वायर खोल के वही एलसीएम सेम काम इधर प्लस टू रूट थ्री आया था इधर माइनस टू तो यहाँ आ जाएगा माइनस रूट थ्री बाई टू ये माइनस रूट थ्री बाई टू मिला साइन को तो ये देगा माइनस पाई बाई थ्री उसका हो गया हाफ तो यानी कि माइनस पाई बाय सिक्स तो फाइनल आंसर इज माइनस पाई बाय सिक्स कैलकटा इज द करेक्ट आंसर ठीक है देखिए अब कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं सिर्फ डरावना था दिखने में ठीक है कुछ लोगों ने मैंने भी जब पहली बार किया था सही बताऊं देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं अभी मेरे को क्लिक किया कि जब मैं x की जगह वैल्यू इसी में रख सकता हूं ये तो मेरे को डायरेक्ट मिली गया इंटीग्रेट करके
ठीक है, ये मुझे डायरेक्ट मिल गया, एक्स की जगह यहीं पे रख लें, यहाँ कहीं यहीं रख दें, इससे सिंप्लीफाई क्यों करें? मैंने पहली बार किया था, मैंने इसे सिंप्लीफाई करा, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर ये खुल जाएगा, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर ये खुल जाएगा, तो यहीं पर एक सिंप्लीफिकेशन बन जाएगा, फिर उसे यहाँ रख देंगे, ठीक है, वो दो चार स्टेप बढ़ गई, वो मैंने बचा ली ना अभी इस वाले में, ठीक है, तो क्लिक करने की बात है यार, ये तो अगर क्लिक कर जाता है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप देखिए विद इन टाइम ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मोस्टली, कुछ क्वेश्चन हैं जो लेंदी हैं, तो यार सारे क्वेश्चन तो करने के लिए दिए भी नहीं गए थे, कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने भी चाहिए आपको, इसी को ही तो सिलेक्शन कहते हैं, इफ़ यू हैव गुड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, यू हैव कैपेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग गुड क्वेश्चन, ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, गेम इसी का ही है पूरा, जो है जेई मेन और जेई एडवांस का, जेई एडवांस में तो थोड़ा और अच्छे लेवल पे है, बट जेई मेन में थोड़ा मॉडरेट लेवल पे है, कि अगर आपके सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन की करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बेहतरीन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्लास पे बेस्ड सीक्वेंस सीरीज जो चैप्टर है ना, उसका लिया गया है, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल ईजी कैटेगरी के अंदर आई विल पुट दिस क्वेश्चन इन। ये तीन नंबर दिए गए हैं, ये एक नंबर है पूरा, एक एफ ऑफ एक्स एक नंबर हो गया, एक ये वाला नंबर हो गया, ये सभी नंबर जो है वो एपी में है ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की लीस्ट वैल्यू मेरे से पूछी गई है, ऑप्शंस 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर ये एपी में है भाई साहब, कोई भी तीन नंबर अगर एपी के अंदर होते हैं, तो सबसे पहली चीज़, तो मिडिल नंबर का जो ट्वाइस होता है, यानी कि 2 times एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक्सट्रीम टर्म्स के सम के बराबर होता है, एक्सट्रीम टर्म्स के सम, दिस प्लस दिस अगर मैं करता हूँ तो इसमें से तो 2 और 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर लिखा 2 raised to the power x प्लस 1/2 raised to the power x, ठीक है, प्लस ये 3 raised to the power x प्लस 1/3 raised to the power x, ठीक है, ठीक। ये वाली जो फॉर्मेट्स है ना t+1/t, इसे देखते दिल में कुछ कुछ होना चाहिए हमेशा, AMGM से भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, वैसे भी जब भी कोई लीस्ट वैल्यू मैक्स वैल्यू इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है ना, तो मेरे जहन में एक बार तो AMGM का ख्याल जरूर आता है, कुछ लोग हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे ये लिखने के बाद इसे डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमा और उसके अंदर जाने की कोशिश करी हो, बट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड t+1/t की फॉर्मेट बनी है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत सारी बोलूंगा, 2 into 2 हो जाएगा 4, 4+2 हो जाएगा 6, फिर जब 2 times एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 आ जाएगा तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो लीस्ट वैल्यू तो हो जाएगी 3, तो आंसर तो है सी, ठीक है। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली क्या दो अलग अलग वेरिएबल थे, एक 2 raised to power x + 1/2 raised to power x और एक 3 raised to power x + 1/3 raised to power x, ठीक है, बट जो लीस्ट वैल्यू आप बोल रहे हैं ये भी हमेशा 2 या 2 से बड़ा, ये भी हमेशा 2 या 2 से बड़ा, क्योंकि पैसे तो फॉर्मेट के हैं, कौन सी फॉर्मेट के, t+1/t के, ध्यान देना ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, एग्री, बट यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें, एक 2 raised to power x एक 3 raised to power x, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिए, सेम x रखने पर अगर ये दोनों लीस्ट वैल्यू ले रहे हैं तो मेरा आंसर सही है, सेम x रखने पे तभी मेरा आंसर सही है, ये भी एक चीज़ होती है वेरीफाई करने की, आपने तो कर दिया जबरदस्ती धक्के से निकल ली, ऐसा थोड़ी है, ये लीस्ट वैल्यू तो तभी अचीव हो सकती है जब सेम x रखने पे ये वाला भी 2 दे रहा हो और ये भी 2 दे रहा हो, तभी ये मिन वैल्यू अचीवेबल है, और अगर अचीवेबल है तभी मेरा आंसर है, क्लियर है, तो ठीक है। इसकी वैल्यू 2 कब होती है, जब इसकी वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी, तो अगर x की वैल्यू 0 हुई तो ये भी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, तो चूंकि ये सेम वैल्यू दे रहे हैं इसलिए, सेम x पे सेम वैल्यू दे रहे हैं इसलिए ये लीस्ट वैल्यू जो है ये अचीवेबल वैल्यू है, अचीवेबल वैल्यू, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए लाया गया है, मैट्रिसेस और पीएनसी के कॉम्बिनेशंस हैं, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, अच्छा है, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई विल से कि मतलब ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये अगर आपने सॉल्व किया है तो काफी बढ़िया आपकी प्रिपरेशन है। ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर की है, तो सपोज कर लेते हैं कि ए जो है वो a11 a12 a13, या फिर a123, नहीं ठीक है, a21 ये ज्यादा बेटर है, a22 a23 a31 a32 a33, इस टाइप की एक 3x3 की मैट्रिक्स मान ली, हुज एलिमेंट्स आर फ्रॉम द सेट -1, 0 और 1, मतलब ये जो एलिमेंट्स है ना
ये या तो माइनस वन हो सकते हैं या फिर जीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है, बस इस तीन के अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर टोटल पूछे होते कितनी मैट्रिसेस बन सकती है तो आंसर क्या होता, 3^9, दिस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, 3 3 3 3 3, ठीक, वो तो बिल्कुल बिना कंस्ट्रेंट के। लेकिन इन्होंने कंस्ट्रेंट दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट ट्रेस, ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट अगर करा जाए, तो ए ट्रांसपोज का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे ए 11, फिर ए 12, ए 11, ए 12, ए 13 ऐसे आ जाएंगे, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ए 33, इनके प्रोडक्ट का जो ट्रेस है, यानी कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स, समझ रहे हो, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये वाले, ठीक है, इनका जो सम है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का ही प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट करके डायगोनल एलिमेंट्स ही लिखो। कब बनते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, देखो, फर्स्ट 1 1 नंबर का बनता है जब इसका इससे होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 वाला एलिमेंट बनेगा, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन रहे हैं, A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर, है ना। 2 2 कब बनेगा, जब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। आप मल्टीप्लीकेशन देखो कितना प्यारा हो रहा है। क्वेश्चन मुझे इसलिए अच्छा लगा, नाइस, 3 3 कब बनेगा, जब थर्ड रो का थर्ड कॉलम से, प्लस A31 स्क्वायर प्लस A32 स्क्वायर प्लस A33 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ये सब क्या है, ध्यान से देखिए, ये सब इसी मैट्राइसेस के सभी एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम लिखा है। ये जो इस ए मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स थे ना, ये इन सब के स्क्वायर का सम लिखा है, तो इन सब के स्क्वायर का सम 3 के बराबर होना चाहिए भाई साहब, समझ रहे हो। और कमाल की बात यह है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ -1, 0 और 1 लिए जा सकते हैं। अगर स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव जो -1 है उसका भी स्क्वायर 1 ही होने वाला है, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, 0 का स्क्वायर 0 होने वाला है। यानी कि मुद्दे की बात यह है कि 0 और 1 का चयन करके आपको 3 बनाना है, 9 नंबर्स पे 9 जगह पे आपको 0 और 1 लिख के आपको 3 बनाना है। सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल, 9 में से कोई 6 भाग्यशाली प्लेसेस तो ऐसी होगी जहां कौन आने वाला है, 0। 9 में से 6 प्लेस सेलेक्ट करके तो वहां बैठा दिया मैंने 0, ठीक है, बैठाने के तरीके 1। अब बाकी जो 3 प्लेसेस बची, मान लो ये 6 प्लेसेस हैं जहां मैंने 0 0 डाल, ये जो 3 प्लेसेस बची यहां कितने तरीके से, मतलब यहां कितने तरीके से नंबर रखा जा सकता है, 2 तरीके से, बस इतना सा सीखने का है, 2 तरीके से। कौन से 2 तरीके, या तो -1 या फिर +1। इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, तो -1 या +1। इसे किस तरीके से फिल किया जा सकता है, या तो -1 या +1, सिंपल। तो बाकी की जो 3 प्लेसेस बची, दैट ईच प्लेस कैन फिल्ड बाय 2 डिफरेंट वेज, तो 2 क्यूब, ठीक है, 9C3, 9C6 विल बी इक्वल टू 9C3, 9C3 मतलब होता है 987 अपॉन 32, ये हो गया 8, इससे काटना चाहो इससे काट लो 4, इससे काटना चाहो इससे काट लो 3, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 है, 84 8 जा 672 है, ऑप्शन बी है, 672 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। मुश्किल नहीं है ये, थोड़ा सा अजीब सा, थोड़ी जरूर थोड़ा डरावना सा लगता है, लेकिन एक बार जब मैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स देखता हूँ ना, इतने अच्छे हैं, तो फिर बेसिकली इन सब के स्क्वायर का सम जैसे ही 3 पता पड़ा उसके बाद चीज इसकी क्लियर होगी, ठीक है। बट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, आई विल नॉट से कि ये बहुत ही हलवा टाइप या एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है, जो कि मैं अभी तक के क्वेश्चन में बोल रहा था, वो मैंने इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है, दैट इज बेसिकली अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेटोरियल कॉफिशियंट, ठीक है, बाइनोमियल में भी हो सकता है आपने पढ़ा हो, या पीएनसी में हो सकता है पढ़ा हो, कॉम्बिनेटोरियल कॉफिशियंट जो कि एनसीआर होता है, उसकी प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहला तो उसकी प्रॉपर्टी एनसीआर मैक्सिमम कब होता है, ठीक है, जैसे अपन 6CR की बात करते हैं, 6CR मैक्सिमम कब होगा भाई साहब, कोई भी एनसीआर मिडिल में जाके मैक्स होता है, मिडिल मतलब इसका जो ये जो है नीचे वाली चीज, ये आप 0 से लेके 6 तक ले जा सकते हैं, तो इसका जो मिडिल है, मिडिल इज 3,
63 की वैल्यू मैक्स होगी जो कि 20 होती है शायद, 6 5 4 upon 3, यस 20, ठीक है। तो वो जो है वो इसकी मैक्स वैल्यू है 6CR। अगर मैं 7CR की बात करता हूं, सुनो ध्यान से, तो R कैन डांस फ्रॉम 0 to 7, टोटल 8 कॉम्बिनेटोरियल कॉफिशियंट पॉसिबल है 7CR। तो मिडिल 2 होंगे, एक 3 वाला और एक 4 वाला, 7C3 7C4 दोनों की वैल्यू सेम होगी लेकिन वो मैक्स होगी। कोई भी NCR मिडिल में जाके मैक्स होता है, ये लॉजिक अगर मुझे समझ में आ रहा है, जो कि हमें पता भी होना चाहिए और पढ़ाया भी गया होगा डेफिनेटली आपको, तो ए बी सी सबकी वैल्यू मेरे को पता है। नाउ ए इज 19C के केस में, तो 19C9 लिख लो चाहे 19C10 लिख लो, ए की बात है। बी की वैल्यू इसके मिडिल में पहुंचे, तो इसके मिडिल में पहुंचे तो आया 20C10, इसमें एक ही है। सी में अगेन 21CR में दो हो सकते हैं, या तो 21C10 भी हो सकता है या 21C11 भी हो सकता है, कुछ भी लिख लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहली बात तो ये कॉम्बिनेटोरियल कॉफिशियंट की प्रॉपर्टी आ गई भाई साहब, कि ये मैक्स कब होता है, ये होता है मिडिल में मैक्स। तो ये तो हो गए मैक्स, ठीक है। अब ए बी सी में मेरे को रिश्ते बनाने हैं इस तरीके से रेशियो वाले। जब इन रिश्तों को मैंने ध्यान से देखा तो मैंने एक काम किया, मैंने सबको डिवाइड कर दिया, तो सब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दूंगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दूंगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो सब 1 1 1 के बराबर हो जाएंगे, सब आपस में बराबर किए जा सकते हैं। वैसे आंसर चाहिए थे ना, तो इसलिए मेरे को क्लिक करा ए अपॉन 19C9 इज इक्वल टू बी अपॉन, ध्यान देना, 20C10। इसमें इसको और इसको एनसीआर की एक प्रॉपर्टी है, एनसीआर कैन बी रिटर्न एज एन बाय आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। अगर इन्हें एक एक बार नीचे उतार लिया जाए तो इनमें से एक एक कम किया जा सकता है, आज मेरे को इसकी जरूरत महसूस हुई। अगर मैं इस 20 और 10 को नीचे ले आऊं तो ये 20 अपॉन 10 लेने के बाद 19C9 बचेगा जिसे काटा जा सकता है, बशर्ते इसमें भी 19C9 आए, ठीक है। लो देखो देखो देखो, सी अपॉन ये जो लिखना था इसको एक बार नीचे उतारा, 21 बाय 11, यहां क्या बचेगा 20C10, यही वाली चीज, फिर एक बार और उतार लिया, नाइस, ये गॉन 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 गया, सही है। अब ये तो बचा 2, ये हो जाएगा 42, ये हो गया 11, ये भी बचा 2, 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर को, तो बन जाएगा भाई साहब a बाय 11 b बाय 22 ना 21 टू से c बाय 42 है क्या ऑप्शन में, ये रहा a इज द करेक्ट आंसर। प्लेन कॉम्बिनेटोरियल कॉफिशियंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है आपने बाइनोमियल में पढ़ा, हो सकता है आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इट्स ऑनली टोटली डिपेंडिंग ऑन द मतलब इच्छा ऑफ टीचर कि वो किसमें पढ़ाना चाहे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी के सबसे सिंपल, मतलब ताबड़तोड़ सिंपल। मैं इन क्वेश्चंस को बोलता हूं कि अगर अपन घर से डिसाइड करके भी जाए ना, ठीक है, मम्मी को एकदम बिल्कुल, जब वो मम्मी एकदम वो क्या खिलाती है युद्ध में लड़ने से पहले जाते हैं तो क्या खिलाते हैं, गुड़ और दही, ठीक है। उस समय खाते वक्त अपन ये बोल के भी आए, प्रॉमिस भी करके आए, मम्मी आज तो मैं हक के आऊंगा भैया, ये क्वेश्चन तो मैं गलत करके आऊंगा, तो भी ये वाले क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकते, मतलब ये इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के सबसे सस्ते। इसमें एक छोटा सा इन्होंने कॉन्सेप्चुअल एंगल डाला है, वो है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंगल्स, सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, पी ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, ध्यान देना, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसमें जो थोड़ी सी चीज हमें पता रहनी चाहिए वो ये है कि ए और बी डैश या बी बार जो भी आप लोग लिखते हो, ठीक है, या बी कॉम्प्लीमेंट जो भी लिखते हैं, ठीक है, ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी, और ए और बी तो है ही, ये सभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। और अगर कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं का मतलब किसी एक के होने ना होने से किसी दूसरे के होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हैं, ये सब एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है। बी के होने और बी के ना होने से ए के होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को तो इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं।
इनमें से जौन सी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है, वो आंसर मेरा आंसर। इससे हलवा क्वेश्चन क्या हो सकता है यार, ये तो पढ़ो और लगाओ, फिनिश। समझ आई बात? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, फोकट के चार नंबर थे यार, ये तो लेने ही चाहिए थे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिए फंक्शन का, ठीक है। ये फंक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है आपको, बिल्कुल बेसिक, जो ट्वेल्थ क्लास के एकदम स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं ना, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। उसकी स्टेप बाय स्टेप भी फॉलो करोगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि दो इनवर्स फंक्शन बने, उसमें से एक एक्सेप्ट किया एक रिजेक्ट किया, इसमें तो बनेगा ही सीधा सीधा एक ही, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखो, सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लो, जो भी दे रखा है ना आपको, y इज इक्वल टू मान लिया 8 रेस टू द पावर 2x माइनस 8 रेस टू द पावर माइनस 2x अपॉन 8 रेस टू द पावर 2x प्लस 8 रेस टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। आपने क्रैश कोर्स की वीडियो अगर मेरे देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अप्रैल में वाले, उसमें भी काम आएंगे, बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको उसके अंदर सुनने को मिलेगी डिटेल में, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा टाइम हमारे पास ज़्यादा था, ठीक है। आज तो आप भी एकदम रश में है कि आपको तो जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए, अपने आंसर वेरीफाई करने कि सही है गलत है, ठीक है, या फिर कोई आगे वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए वीडियोस देख रहा है, तो अपन उस तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने कह रखा है, आपको पता भी होनी चाहिए सिचुएशन, देखो अगर आपके पास कभी भी कुछ माइनस कुछ और अपॉन कुछ प्लस कुछ और है, इस तरीके की पॉसिबिलिटी है, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। इनवर्स निकालने के लिए करना क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लो, ट्राई टू सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y, यू विल गेट योर इनवर्स फंक्शन, सिंपल खत्म, ठीक है। जैसे ही x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा आपको आपका इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा, क्लियर है। x इन टर्म्स ऑफ y निकालने के लिए तरीके और भी, ऐसा नहीं है कि दैट इज द ओनली वे, ठीक है, बट क्योंकि ये फॉर्मेट मेरे को CND टाइप दिख रही थी, CND बोले तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाते वक्त हमेशा एक रूल डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा रूल आप लोग लगा रहे हैं। मेरी इच्छा हुई आज डिनोमिनेटर, मेरी इच्छा कभी भी कोई भी रूल लगाने की हो सकती है, ठीक है, बस कंडीशन क्या है, दोनों साइड इक्वलिटी के सेम चीज लगाई जाएगी। दिस इज इक्वल टू वन कर लो, कुछ लोग बोलते हैं सर यहां तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो अपॉन वन लिख लो यार, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर ये बन जाएगा वन प्लस वाई अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर साइड, दिस प्लस दिस, जब दिस प्लस दिस करूंगा ये कैंसिल, ये जुड़ गया टू टाइम्स एट रेस टू द पावर टू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, दिस माइनस दिस करूंगा तो ये कटेगा, ये जुड़ेगा इस पर टू टाइम्स एट रेस टू द पावर माइनस टू एक्स एट रेस टू द पावर फोर एक्स। एक्स निकालने के लिए लॉग लेना पड़ेगा किस बेस पे, एट बेस पे, फोर एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस एट 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 4 लॉग बेस 8 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। हु इज एक्स, एक्स इज नथिंग बट एफ इनवर्स वाई, कौन एफ इनवर्स वाई, अरे भाई साहब अगर वाई एफ एक्स है तो एक्स कौन है, एफ को इधर लाओगे तो एफ इनवर्स बनेगा, यही तो इनवर्स है, उल्टा पुल्टा रिश्ता। एफ इनवर्स वाई की वैल्यू अगर मिल चुकी है, लोगों ने पूछा सर आपसे आपसे f इनवर्स x पूछा था, हमेशा f इनवर्स x पूछा जाएगा, आंसर हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ x, आंसर कभी y के टर्म्स में नहीं आएगा, y की जगह क्या लिख दो x लिख दो, ठीक है, तो कौन सा बन गया 1 बाय 4 लॉग बेस 8 ये वाला आगरा इज माय आंसर, क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, यू विल गेट योर आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक के कॉम्बिनेशन से बनाए, ठीक है। इस बार अगर आप देखें तो जेई मेन के जो पेपर्स हैं उसमें कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब दो चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन से, जैसे क्वाड्रेटिक का एक सिंपल सा फंडा ले लिया, कॉम्प्लेक्स का एक थोड़ा फंडा लगा लिया, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक तो एक क्वाड्रेटिक दे रखी है जहां बी बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, तो कॉफिशियंट रियल है बेसिकली, लाए ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर इसके रूट्स लाए करते हैं, ये कौन है सर्कल जिसका सेंटर है माइनस वन कॉमा जीरो, कॉम्प्लेक्स प्लेन की अगर हम बात करें तो, और रेडियस है 2√10, ठीक है, तो इसके रूट्स इस पे लाए करते हैं ऐसा बताया गया, वेयर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसके जो रूट्स है ना
क्वाड्रेटिक की, वो एक काम करते हैं अपन अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया भाई साहब, सम इज टू अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के हिसाब से माइनस बी, एक रिश्ता तो आ गया ये, बी की वैल्यू निकालनी मेरे को तो ये सारे रिश्ते मेरे लिए रिडंडेंट हो जाएंगे अगर बी की वैल्यू आ गई तो, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है लेकिन इस केस में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अरे यार वो आयोटा स्क्वायर आता है उसकी जगह माइनस वन रख देते हैं, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू कितनी हो गई 45। रिश्ता नंबर वन, रिश्ता नंबर टू, ठीक है। अच्छा एक चीज और दी गई है कि ये रूट इस पे लाया करते हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, इसे जेड इज इक्वल टू मान लेते हैं, इसमें ठोक देते हैं, रख दूं तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस वन प्लस आयोटा बीटा का मॉड इज इक्वल टू टू रूट टेन। इसका मॉड क्या हो गया भाई साहब, अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आता है लेकिन स्क्वायर कर देता हूं तो फोर रूट टेन, फोर टेन फोर्टी। रिश्ता नंबर थ्री, ओके तीन रिश्ते आ चुके, तीन अननोन है अल्फा बीटा और माइनस बी, मतलब बी सॉरी, ठीक है। तो मैंने देखा अगर मैं टू माइनस वन कर दूं, सॉरी टू माइनस थ्री, इसमें से इस वाली को सब्ट्रैक्ट कर दे तो बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, या थ्री माइनस टू कर लो जो भी करना, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, तो दिस माइनस दिस करते हैं तो 45 माइनस 40 हो गया 5, ठीक है। देख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है तो ए माइनस बी तो हो गया माइनस वन, ए प्लस बी हो जाएगा टू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू फाइव, तो यहां से टू अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस सिक्स और टू अल्फा कौन है माइनस बी, तो बी कौन आ गया सिक्स, बी की वैल्यू अगर सिक्स आ गई तो बी स्क्वायर की हो जाएगी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोनोटोनिसिटी रोलीज थ्योरम से, ठीक है। रोलीज थ्योरम, ठीक है, थ्योरम हम लोग मतलब थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हम सब लोग जानते हैं, फंक्शन हैज़ टू बी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, वो है ही क्योंकि सिंपल लॉगरिथमिक और पॉलिनोमियल फंक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, सो इट विल बी कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशियबल किसी भी इंटरवल में, इनफैक्ट यहाँ पे बात करी जा रही है 3 to 4, ठीक है। आर प्लस के लिए तो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रियल के लिए तो ये डिफरेंशियबल है ही, पॉजिटिव रियल इसलिए क्योंकि एल एन के अंदर एक्स फंसा हुआ है इसलिए, ठीक है फाइन। तो अपने डोमेन के अंदर वो कंटिन्यूस भी है डिफरेंशियबल भी है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया 3 to 4 में ये रोलीज थ्योरम इस पे अप्लाई करी जा सकती है, तो कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल तो ये है ही। रोलीज थ्योरम की थर्ड जो कंडीशन होती है वो होती है एक्सट्रीम पॉइंट पे सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो यानी कि एफ थ्री मस्ट बी इक्वल टू एफ फोर, एफ थ्री और एफ फोर को जब इक्वल करूंगा तो एल एन तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे कटते नहीं है मतलब हटाए जा सकते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं बेसिकली, तो एक्स की जगह थ्री रख के यहाँ बन जाएगा नाइन प्लस अल्फा अपॉन नीचे हो जाएगा सेवन इंटू थ्री, और फोर रखेंगे तो बन जाएगा 16 प्लस अल्फा अपॉन नीचे हो जाएगा 7 इंटू फोर, एफ थ्री जीगस टू एफ फोर करूंगा दोनों साइड से एल एन हटी गया, 7 7 कैंसिल हो गया, 4 उधर चक के गया तो 9 4 जा 36 प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू 16, 3 जा 48 प्लस 3 अल्फा, अल्फा इधर आ गया 48 माइनस 36 यानी कि 12 आ गया भाई साहब, अल्फा की वैल्यू आ गई 12, तो यानी कि रोलीज थ्योरम की कंडीशन लगाने से तो मेरे को मिल गया अल्फा, तो मेरा फंक्शन पूरा हो गया क्या। अब मैं लिख सकता हूं एफ एक्स को एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एल एन 7x, ऐसे लिख सकता हूं। क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई साहब एफ डबल डैश सी की वैल्यू, अब सी कौन है, सी वही है रोलीज वाला कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन 3 to 4, सी इस इंटरवेल में से कोई एक पॉइंट है जहां पे इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी, जो कि रोलीज थ्योरम का कंक्लूजन है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया तो आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12 ऊपर आ जाएगा 2x माइनस, इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 1 बाय एक्स, ठीक है। थोड़ा बहुत एलसीएम एलसीएम लिया तो ये हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 2x² माइनस 12 ये बन गया ऊपर। जब इसे इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस रूट 12, इसमें से माइनस वाला जो है इसे रिजेक्ट कर दे, क्यों, क्योंकि सी हैज टू लाई बिटवीन ओपन 3 to 4, अभी 3 से 4 के बीच वाले सी को ही तो लिया जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई बेसिकली मेरे पास रूट 12, कितनी आ गई रूट 12। अब एफ डबल डैश सी निकालें, तो एफ डबल डैश सी निकालने के लिए इसका
सेकंड डिफरेंशिएशन. तो इसका आप सेकंड डिफरेंशिएशन करें एफ डबल डैश एक्स. मैं आपको थोड़ी सी 2-4 ग्राम की स्टेप्स आगे की इसलिए करके बता रहा हूँ कि थोड़ा मैनिपुलेशन में ध्यान रखा करिए, फायदा हो जाता है कभी कभी. जब आप दोबारा डिफरेंशियल लगाओगे तो कैसे करोगे, दिस डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विच इज 2x माइनस. जब आप न्यूमरेटर एज इट इज लिखोगे, इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो ही होने वाली है जब मैं x की जगह रूट 12 रखूंगा. यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 12 तो एज इट इज आ गया, तो 12 माइनस 12 जीरो हो गया ना, तो इस टर्म को क्यों लिख रहे हो यार, पैसे के बचाओ. ठीक है, नीचे x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर. ठीक है, x की जगह क्या रखना है, रूट 12, तो यहां आ जाएगा रूट 12, रूट 12, 12, 12 टू 24, रूट 12 का स्क्वायर 12, 12 प्लस 12, 24, न्यूमरेटर बन गया 24, यहां आ गया 12, यहां आ गया 24 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1/12. कैलकुलेशन आसान है, आप खुद से करके देखिए. कई बार अपन क्या कैलकुलेशन सड़ा देते हैं जबरदस्ती, जबकि कैलकुलेशन इतनी बुरी भी नहीं थी. हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन रिलेटिवली जितनी पूछी जानी चाहिए उससे ज़्यादा है, बट वो जेई मेन के क्वेश्चन में अक्सर आपने देखा है लास्ट ईयर भी काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन जेई मेन के अंदर आते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 की जगह 20 करो, 19 करो, बट करेक्ट करो, आराम से तसल्ली से करो, 2-4-5 क्वेश्चन कम ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मोनोटोनोसिटी बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, विच इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिबिलिटी एज वेल, और इनवर्स का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है. एक्स माइनस पाइवेट 2 से पाइवेट 2 के बीच में दिया गया है, अगर एक्स माइनस पाइवेट 2 से पाइवेट 2 के बीच में तो मॉड एक्स के बारे में आप क्या बोलेंगे, 0 से पाइवेट 2. ठीक, कॉस इनवर्स के अंदर फंसा है साइन, अगर ये साइन इनवर्स साइन होता तो हम लोग बहुत खुश होते, वो अंदर वाला बाहर लिखा होता है ना, तो हम कम से कम एटलीस्ट उसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना, यही है. क्या मैं कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पहले सबसे पहले मेरे दिल में ये ख्याल आया, मैंने सोचा बहुत आसानी से लिख सकता हूँ यार, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस मॉड एक्स, पहले तो ये माइनस को हटाते हैं यार, साइन माइनस बाहर फेंक देगा. ठीक है, पाई बाई टू माइनस लिख ही चुका हूँ, फिर बाहर आ गया साइन इनवर्स भी बाहर फेंक देता है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन मॉड एक्स. ठीक है, अब हम लोग काम की बात करते हैं, अगर एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो मॉड एक्स जो है वो एक्चुअली जीरो से पाई बाई टू है, सही बात है. अगर मॉड एक्स जीरो से पाई बाई टू है तो साइन इनवर्स की पीवीआर के अंदर है, अगर मॉड एक्स साइन इनवर्स की पीवीआर के अंदर है तो ये डायरेक्टली मॉड एक्स लिखा जा सकता है, ये बन गया भाई साहब मेरा फंक्शन. और अगर आपको ढंग से इसे डिफाइन करना है तो ये डिफाइन होगा दो डेफिनेशन, एक तो हो जाएगी पाई बाई टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो लेस देन पाई बाई टू, यानी कि जीरो से पाई बाई टू के बीच में जब मॉड पॉजिटिव खुला होगा. दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी भाई साहब पाई बाई टू एक्स माइनस टू एक्स, जब एक्स जो है वो माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में रहा होगा, यानी कि जब मॉड एक्स नेगेटिव खुला होगा, सिंपल. ठीक, ये मेरे है एफ एक्स की डेफिनेशन. ठीक है, अब जो ऑप्शंस इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है कि चारों के चारों ऑप्शंस मेरे को चेक करने पड़ते हैं, वैसे सिंगल करेक्ट है, अगर ऊपर से चेक करते करते कोई बीच में फंस गया तो वही मेरा आंसर है. ठीक है, सी और डी में से तो वैसे भी एक ही आंसर होने वाला है क्योंकि ये इस इंटरवल में डिक्रीजिंग बोल रहा है, इसमें इंक्रीजिंग बोल रहा है, और इसमें वाइस वर्सा यानी कि उल्टा बोल रहा है. ठीक है, ए और बी में से भी ए ही चेक करने की जरूरत है, एफ डैश जीरो या तो डिफाइन होगा या नहीं होगा, डिफाइन है तो माइनस वाई टू है या नहीं, जो भी है, तो क्योंकि जीरो पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है तो डिफरेंशिबिलिटी का खतरा तो है. ठीक है, आप लोग मतलब जानते होंगे वैसे तो, खैर डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी भी आपको आती होगी, है ना, बट क्योंकि अगर नॉर्मल पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन में अगर आपके पास नॉर्मल पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन है तो एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी होती है जिससे आप डिफरेंशिबिलिटी चेक कर सकते हो. यू कैन सिंपली डिफरेंशिएट दिस, सिंपली क्या मिलेगा साहब, पाई बाई टू प्लस टू एक्स, और एक्स की जगह रख दो जीरो, वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई टू, दिस विल बी योर आर एच डी, ये आर एच डी हो गई, कितनी हो गई आर एच डी, इसे डिफरेंशिएट कर दो क्या मिलेगा पाई बाई टू, एक सेकेंड यहाँ पे गड़बड़ कर दिया अपन,
पाई बाई टू माइनस टू एक्स, ये एल एच डी है जीरो के लेफ्ट साइड में, यहां पे अगर मैं एक्स की जगह जीरो रखूंगा एल अगेन गेट पाई बाई टू, क्योंकि सेम वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिफरेंशियबल है, अगर डिफरेंशियबल है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस पाई बाई टू, यानी कि ये आंसर भी नहीं है क्योंकि इसने तो माइनस पाई बाई टू बोला है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक। ये मेरे बन गए, ये कौन है, अरे यही तो एफ डैश एक्स है भाई, यही तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है, ये जीरो के लेफ्ट में, ये जीरो के राइट में, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक। इस इंटरवल में ये डिफरेंशिएशन हो गया, इस इंटरवल में ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, ओके। एफ डैश के डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बिहेवियर की बात करनी है, एफ डैश के, यानी कि या तो उसका डबल डेरिवेटिव ले लो या फिर डायरेक्ट देख लो अगर दिख रहा है तो। अगर एफ डैश के इसको देखो, ठीक है, इट्स ए लीनियर पॉलिनोमियल, लाइन बनेगी भाई साहब, लाइन तो स्लोप से पता पड़ जाती है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन चढ़ती भी होगी, अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन गिरती भी होगी, सीधी सी बात है भाई साहब। यहाँ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीजिंग, तो एफ डैश इस इंटरवल में, यानी कि इस वाले इंटरवल में जीरो से पाई बाई टू में इंक्रीजिंग है, तो जीरो से पाई बाई टू में इंक्रीजिंग है, माइनस पाई बाई टू से जीरो में भी देख लो, ये लाइन स्लोप माइनस टू यानी कि नेगेटिव, यानी कि गिरती हुई लाइन, गिरती हुई लाइन मतलब डिक्रीजिंग, तो एफ डैश डिक्रीजिंग इन माइनस पाई बाई टू टू जीरो। तो मेरे हिसाब से द करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन इज कैलकटा। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा इस जगह पे जो इनवर्स का थोड़ा बहुत 1.5-2 ग्राम यूज हुआ है, ये हुआ, इसके बाद हमने सिंपली मॉड एक्स को डिफाइन किया, ठीक है। ये एक बहुत ही कॉमन सा फंक्शन है, इसलिए आर एच डी एल एच डी निकालने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट दिस, ठीक है। आपने इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया, एक्स की जगह जीरो रख के देखा, चेक किया आर एच डी एल एच डी की वैल्यू सेम थी, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मेरा काम हो गया, सही है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते।